चुनाव को देखते हुए कई पार्टियां विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगी हुई हैं। कांग्रेस ने तो अपनी 3 सूचियों में प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि प्रदेश की सत्ता दोबारा हासिल की जाए। इसके लिए कांग्रेस ने मौजूदा 71 में से 31% विधायकों का टिकट काट दिया है। कुल 90 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद 22 विधायकों को चुनावी मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वही माना जा रहा है कि जिन विधायकों का टिकट काटा गया है उनमें से ज्यादातर स्थानीय कार्यकर्ता नाराज थे। यही नहीं, क्षेत्र में उनकी सक्रियता भी कम थी। इसके साथ साथ सत्ता और संगठन के सर्वे में भी उनका फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए उन पर पार्टियों ने भरोसा नहीं जताया। इसके चलते कहा यह भी जा रहा है कि कुछ विधायक पार्टी से नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि पार्टी और सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि जिन विधायकों को टिकट नहीं मिला है वो अब भी पूरे मन से पार्टी के साथ खड़े हैं। बता दें कि टिकट वितरण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही कह चुके हैं कि जिताऊ अभ्यर्थी को टिकट देने का फॉर्मूला ही चला है। कि उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि टिकट वितरण में चुनाव की कमेटियां फीडबैक को प्रमुख आधार बनाती हैं, जैसे कि हर चुनाव में होता है। अब इस पर BJP की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। BJP का कहना है कि हार के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों का टिकट काटा है। BJP के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने कोई काम नहीं किया है, 22 विधायकों का टिकट काटकर अपना ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया है। प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है, इसी डर के मारे विधायकों का टिकट काटा गया है। वहीं इसके इतर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि यहां हर जगह CM भूपेश बघेल की सक्रियता है। कुछ विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के स्तर पर किए गए सर्वे में फीडबैक मामला था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी किसी भी प्रकार की सत्ता विरोधी लहर नहीं है। हम इस बार 75 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए